फर्स्ट पर्ज, ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी, और ये पर्ज जो मूवी है वो एक प्रिक्वेल है जो पहले की जो तीन पर्ज मूवीज रिलीज हुई है उनका। एंड ये सारी की सारी पर्ज मूवीज जो है वो एक ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जहाँ पे अमेरिका की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि साल में एक बार रात में 12 घंटे के लिए सारे के सारे क्राइम्स लीगल कर दिए जाएंगे, चाहे वो क्राइम कुछ भी हो। बेसिकली उन्होंने ये डिसीजन इसके लिए लिया है क्योंकि अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफी बढ़ चुका है एंड क्रिमिनल्स भी काफी बढ़ चुके हैं, तो काइंड ऑफ ये लोगों की भड़ास निकालने के लिए 12 घंटे इन्हें दिए जाते हैं। नाउ जो इस मूवी के जो पहले के जो पार्ट है वो ग्रिपिंग है, वॉचेबल है, उन्हें जाके आप देख सकते हो। एंड इस कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट पर्ज का, इसके ऊपर एक सीरीज भी बन चुकी है जिसे मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट ये सब कुछ आपको Amazon Prime Video पे मिल जाएगा इस प्रीक्वेल को छोड़ के। एंड ये जो द फर्स्ट पर्ज जो मूवी है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एंड ये मूवी मैंने आज तक की सबसे रेसिस्ट मूवी देखी है। इस मूवी में बेसिकली जितने व्हाइट कैरेक्टर्स आपको दिखाएंगे मूवी में सबको बुरा ही बताया गया है, एंड जितने भी ब्लैक कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे सारे के सारे अच्छे कैरेक्टर्स बताए गए हैं, भले ही वो ड्रग्स ही क्यों ना बेचते हो। बट ये मूवी शुरू में आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि मूवी दिखाना चाहती है आपको कि ये क्यों एंड किस वजह से शुरू हुआ था। एंड शुरू में ऑफकोर्स ये पहली पर्ज नाइट है, एक एक्सपेरिमेंट है उनका, तो इसके लिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, बहुत सारे लोग इससे डरे हुए हैं, तो इसके लिए आपको मूवी के जो 35-40 मिनट से शुरू के उसमें आपको कोई भी एक्शन सीन, कोई थ्रिल सीन या कोई ब्लड देखने नहीं मिलेगा। इससे आई थिंक बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे क्योंकि पहले के मूवी के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा कुछ वॉयलेंस ऐसा है नहीं, क्योंकि बेसिकली ये मूवीज हम इसके लिए देखते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा वॉयलेंस एंड थ्रिल होता है इसके लिए। एंड मूवी डेस्परेटली ट्राई करती है कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश करने को, मतलब मूवी के 10 से 15 मिनट कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने में जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द मूवी आप किसी भी कैरेक्टर के लिए इतना कुछ फील नहीं करोगे। एंड इसमें एक्ट्रेस की तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपने काम को अच्छे से किया है, स्पेशली जो हमारे जो लीड एक्टर है जो गैंग के लीडर होते हैं उन्होंने। एंड ये मूवी ट्राई करके आपको एक हॉरर फील देने को ऑडियंस को, बट वो सब कुछ बहुत ज्यादा फनी लगता है, और मैं यहाँ पे अनइंटेंशनल फनी वे की बात कर रहा हूँ, मतलब एक सीरियस सीन चल रहा है बट वो सीन इतना सिली और इतना फेक लगता है कि आपको कंटिन्यू हंसी आ रही है उस सीन पे। जैसे कैरेक्टर वॉल्वरिन के क्लॉज ला के घूम रहा है लोगों को मारने के लिए, फिर बहुत सारे लोग रेडियम के लेंस ला के घूम रहे हैं ताकि ये सब कुछ रिकॉर्ड कर सके इसके लिए, फिर एक डॉल है उसमें से फटाके भी फूट रहे हैं, ये सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा मूवी में। एंड ये मूवी उन मूवीज में से है जो कुछ टाइम के बाद बहुत ज्यादा सिली हो जाती है, तो इसके लिए आप जस्ट बैठ के हर एक सीन को ट्रोल करने लगते हो। एंड बेसिकली इस मूवी को सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाया गया था क्योंकि प्रोड्यूसर्स को अच्छे तरीके से मालूम है कि पहले के पार्ट के नाम पे बहुत सारे लोग इस मूवी को भी देखने आएंगे, इसके लिए ऐसी मूवीज का बजट भी काफी कम होता है ताकि रिलीज के बाद वो 3 गुना ज्यादा अर्न कर सके इसके लिए। एंड ऑफकोर्स ये मूवी एक फॉरगेटेबल मूवी है, इस वीडियो के बाद ही मैं इस मूवी को कंप्लीटली भूल जाऊंगा, इस बैड मेमोरी को अपने दिमाग से निकाल दूंगा, एंड इसके लिए मैं इस मूवी को दूंगा 1 out of 5 stars। और इस मूवी को मैं आपको जरा भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इस मूवी को सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि YouTube बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, तो अगर आप बेल आइकॉन प्रेस नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। एंड मुझे इंस्टा पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, मैं वहां पे भी बहुत सारे कूल स्टफ जो कॉपीराइट फ्री होते हैं इसके लिए वहां पे अपलोड करता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। थैंक यू।